नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यूं तो आपने अलग अलग खासियत वाले कई पेड़ देखे होंगे, कोई सबसे पुराना है तो कोई अजीबोगरीब आकृति वाला। आज हम आपको दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पेड़ों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं इन पेड़ों के बारे में। बोटल ट्री, ये पेड़ नामीबिया में बना है और ये धरती के सबसे घातक पेड़ों की गिनती में आता है। इस पेड़ से निकलने वाला दूधिया रस बहुत ही जहरीला होता है। पुराने समय में इस पेड़ को शिकारी अपना शिकार करने के काम में भी लेते थे। शिकारी इसके जहरीले दूधिया रस को अपने तीर पर लगाकर शिकार को निशाना बनाते थे। वावोना ट्री, संयुक्त राज्य अमेरिका के योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान के मैरीपोसा ग्रोव में स्थित ये पेड़ काफी विशालकाय है और 1881 में इसके तने को बीच में से काटकर इसमें से रास्ता बना दिया गया। इसी कारण ये पेड़ पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है। टीपोट बैबैब, 1000 साल पुराना ये पेड़ मेडागास्कर से मिलता जुलता है। इन पेड़ों की ऊंचाई करीब 80 मीटर होती है, जबकि इनका तना करीब 25 मीटर से भी ज्यादा मोटा होता है। सूखा पड़ने की स्थिति में इनका तना अपने लिए पानी इकट्ठे करने का काम करता है। सावन के मौसम में जब इन पेड़ों पर फूल लगते हैं तो वो सिर्फ 24 घंटे तक ही रहते हैं और फिर टूट जाते हैं। सिल्क कॉटन ट्री ऑफ टॉप डॉम, दक्षिण पूर्व एशिया के टॉप डॉम मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये पेड़ है। इस पेड़ की जड़ों ने इस मंदिर को चारों तरफ से जकड़ रखा है। इस पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और पर्यटकों के लिए ये पेड़ आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत है। हाइपेरियन, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है। इस तरह के पेड़ 1200 से 1800 साल तक जिंदा रहते हैं। इस हाइपेरियन पेड़ की लंबाई करीब 115.5 मीटर है, जबकि यह करीब 9 मीटर चौड़ा है। ये पेड़ न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। पैजीबे पाम, मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला ये पेड़ काफी अनोखा है। इस पेड़ के तने पर स्पाइक्स बने होते हैं और इसके पत्ते करीब 3 मीटर तक लंबे होते हैं। इस पेड़ पर लगने वाला कीड़वित फल काफी लोकप्रिय है। क्रूड फॉरेस्ट ऑफ ग्राइफिनो, पश्चिम पोलैंड में ग्राइफिनो के पास हुए ये करीब 400 पेड़ काफी रहस्यमय हैं। ये पेड़ बड़ी अजीब आकृति के हैं और इन पेड़ों की ऐसी आकृति कैसे बनी हुई है ये कोई नहीं समझ पाया। किसी का कहना है कि इंसानों ने ही इन पेड़ों को ऐसा आकार दिया है ताकि इन्हें फर्नीचर, हल और नाव बनाने के काम में लिया जा सके। बर्मिस ट्री, इस पेड़ की कहानी भी काफी अनोखी और रहस्यमय है। ये पेड़ कनाडा में स्थित है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस पेड़ की 1770 के दशक में ही मौत हो गई थी, लेकिन आज भी ये पेड़ बिना किसी नुकसान के वैसे ही खड़ा है। हालांकि एक बार 1998 में तेज हवा के चलते ये पेड़ गिर गया था, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने इस पेड़ को फिर खड़ा कर दिया। सनलैंड बैबैब, दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो राज्य में स्थित ये पेड़ वहाँ का सबसे ऊंचा और बड़ा बाओबाब पेड़ है, जिसकी लंबाई 20 मीटर और घेरा करीब 47 मीटर का है। ये पेड़ विश्व के सबसे पुराने पेड़ों में से एक है और माना जाता है कि ये करीब 6000 साल पुराना पेड़ है। इस पेड़ की खासियत ये है कि ये पेड़ कुदरती तौर पर अंदर से खोखला है, जिसके अंदर लोग आराम से घूम सकते हैं और बैठ सकते हैं।
इसी विशेषता के चलते यहाँ पर 1993 में एक बार खोदा गया था, जहाँ 15 से 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर